वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी भेजा फ्राई। तो यहाँ पे मैंने भेजा ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लिए और इसका जो भेन है वो पूरा अच्छे से निकाल दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी तेल डाल चुकी हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे स्लाइस हुआ ऑनियन, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ऑनियन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने पानी से घोल लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये भेजा, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको खुंती से थोड़ा सा पीसेस कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, वो टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप घर पर इसको जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। तो 2 मिनट तक ऐसा घूमते रहेंगे। दो मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये भेजा फ्राई फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको अब रोटी के चावल के साथ अब गरम गरम खा सकते हैं। और फिर मैंने 2 मिनट इसको पका लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई समर। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हैदराबादी भेजा फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए पॉपी शाही किचन।